गलत क्या कहा आपने? अरे गलत क्या गया, तब से मुझे इल्जाम लगाई जा रही है, इल्जाम लगाई जा रही है। इस औरत को मैं किस तरह रहूं, इसके साथ में जिंदगी किस तरह गुजारूं मैं, बताएं आप। सनम मैं अपना देखो, अगर मां पे गाय के चले जाए, मां के छोड़ के चले जाए, मैंने क्या कहा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप जा रहे हैं? बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा, मेरी मां का किसी और से शादी कराई, मैं कर लूंगा उससे। अभी मतलब आप दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद है एक्चुअली? जब वो मेरा साथ नहीं देगी, हर जगह जाके मेरे को बदनाम करेगी, तो मैं कैसे उसका साथ दे दूंगा, बता दे मुझे। ये तो इज्जत करना है, फैसला करवा दे मेरा। ये फिर भी बैठ गई थी क्या आप लोगों के कहने से कि हाँ भाई चलें, बच्ची है जिंदगी गुजार रहे हो भाई, आप बैठ रहे हो अभी, ये हाल है यहाँ पर, सब देख रहे टीम के घर में क्या लोग बैठे हुए। और मेरे भाई क्या नाम है आपका, क्या नाम है? नाम असलम भाई, बैठे थोड़े से, बैठे तो सही, आप लोग बैठे। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ बैठूंगा। अरे नहीं भाई बैठे, तुम्हारे यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा यार। नहीं यार, फैमिली है ना, नहीं यार इधर आ जाओ यार, बैठो यार, क्या हो गया, बैठो फैमिली यार, आपस में अगर वहाँ बैठूंगा। ये कोई तरीका तो नहीं है ना लड़ने का? अगर ये समझती है जादू है तो तोड़ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। इसके हाथ में नहीं यार, बच्चे देना खुदा के हाथ में है, ऐसे तो नहीं होता। अरे ऐसा मत कहो कि तावी इसी वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी चाहती थी यार, देखो एक बात तो तय है ना, इसकी क्या पसंद है, देख रहे हैं ऐसी बात हो सकती है? मान चाहती थी, रखो इसको, मैं भी अपनी माँ समझती हूँ आपको, मैं आपकी इज्जत करो, आपस में लड़ के देखो माँ का। घर तो बना रही हो, दो साल से तो घर बना हुआ है, आपको खराब, साल से घर बिगाड़ रही है। आप एक दूसरा घर बनाना चाह रहे हैं, सिंपल, आपको एक तीसरा नया घर चाहिए। मेरी ख्वाहिश नहीं लगता, मुझे इसकी ख्वाहिश लगता है, मुझे ये घर बनाना चाह रही है। मेरी ख्वाहिश नहीं, प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ दे। वो कह रही है कि वो मैं चाहूंगी, गले होते हैं घर से मिलते हैं, वो कह रही है मैं नहीं करती। अपनी गलती कभी जिंदगी में ना मानी है, ना आज तक मानेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग के घर में 24 घंटे करती हूं जो बैठी हुई है यहां पर। मुझे तो यही लग रहा है, मैं तो ये बोलने वाला था, आपने बात छीन ली। वो क्यों करेंगी, वही तो आपको भी लेकर गई, वही तो आपको बताती है कि सास कर रही है। मैं तो सास जा भी नहीं रहा, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक होते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि वो सुखी रहे अपने घर में। मैं उसे कहती हूँ कि आप चाहती हैं तो आप इसके साथ रहे, ठीक है? मेरी जिंदगी नहीं बन सकती अगर आप इसका साथ देते रहेंगी, इस तरीके से नेगेटिव बात करते रहेंगी सर, तो मेरी जिंदगी नहीं बन सकती। अगर सब आप खुद देखें, मेरी जिंदगी नहीं बन सकती। अच्छा देखिए, जब ये खुद नहीं चाहेगी कि जिंदगी बनाना, तो मैं कैसे बनाऊंगा? आप चाहते हो आपके मसले का हल हो, आप चाहते हो आपकी बीवी, छोड़ दें, बहुत हो गई यार, बहुत हो गई, बहुत हो गई, अरे बहुत हो गई यार, इधर आना यार, बस बहुत हो गई, मैं जिंदगी बस, चलो ना कॉम्प्रोमाइज करता नहीं कर, बस अभी मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बस आप एक हो जाए, मैं इससे नहीं रहूंगा, मैं घर पे नहीं आ रहा हूँ, घर पे इधर आओ ना आप, शादी कर ले यार, इसको ले आओ यार, बस करो यार, आ जाओ यार, अरे आ जाना यार, क्या हो यार, और सुलह करो, आ जाओ यार, बस करो यार, चलो भाई आप लोग इधर बैठ के, असलम आप जो कहेंगे वैसे ही होगा। चलो असलम जिंदगी भर कहता रहा तुमने, माना क्यों यार, बैठो यार, उसकी बात मान की मेरी माँ गलत है, सब कुछ गलत है, तो सही नीचे बैठो यार, बैठे यार, आराम से बैठे यार। अच्छा सर, तुमसे दोनों कितना प्यार करती है, तुमने कहा मैं घर नहीं आऊंगा, ये दोनों लपक के तुम्हें पकड़ने के लिए गई हैं। तो देखा जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करता आ रहा हूं, मेरे को कॉम्प्रोमाइज करने वाला बंदा बात है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो पूरा घर चला रहे होते हैं, मेहनत करते हैं, बाहर जाके 10,000 चीजें देखते हैं, जब वो घर आते हैं उनको घर में सुकून नहीं मिलता, फिर या तो वो खुदकुशी कर लेते हैं या उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कभी ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा मेरा ख्याल है इनको आराम से बैठ के बात करनी चाहिए, बात करेंगे तो मसले हल होंगे, वरना नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इनके पूरे घर पे ही या तो किसी ने कोई नजर लग गई है, कोई कुछ किसी ने करवा दिया है, तो आप मुझे बता दें अगर किसी पे कोई काला जादू करवाया हुआ है कुछ है, तो उसका तोड़ क्या है? देखिए हमारे लिए हिदायत की किताब अल्लाह की किताब है, और अगर हम उससे पढ़े तो ये किताब शफा भी है, नजात भी, और हर परेशानी और हर बीमारी के हल है। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है, जादू बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसका तोड़ भी अल्लाह का हबीब ने हमें दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक पढ़ने की तालीम फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारकोर पढ़ने की तालीम फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयातीन, हमजाद, जिन्नात या नजरबत हो तो सूरह जिन पढ़ने की तालीम फरमाई है। आज के बाद
देखने वाला, आप लोग अगर समझते हैं आपके ऊपर जादू है तो आप ये करें, इंशाल्लाह आपसे ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आप सबने अब ये करना है, आप सबने ये करना है, और मुझे पता है कि अभी मैं